नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग एक बहुत ही बढ़िया हाउस के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, जिसका एलिवेशन आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया ढंग से बनाया गया है। फ्रेंड्स, आपको यह घर कैसा लगा आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। और जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, G+1 में हमने इस प्लान को डिज़ाइन किया है और इसमें हमने फर्स्ट फ्लोर में हाफ डिज़ाइन किया है घर का, जो कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स। काफ़ी बढ़िया से हमने एलिवेशन को बनाने का कोशिश किया है फ्रेंड्स। और इसमें जो हमने रेलिंग में यूज किया है ब्रिक वर्क और स्टेनलेस स्टील पाइप का यूज किया है। और फ्रेंड्स, फ्रंट में भी हमने एक छोटा सा पोर्च का भी डिज़ाइन किया है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट और राइट दोनों साइड में हमने विंडो का यूज किया है फ्रेंड्स। इसमें हमने बैक साइड में विंडो का यूज नहीं किया है। तो जो हमने ग्राउंड फ्लोर में बनाया है फ्रेंड्स, 4 BHK का प्लान बनाया है। और जो आप फर्स्ट फ्लोर में देख रहे हैं, तो फर्स्ट फ्लोर में हमने 2 बेडरूम और 1 हॉल का डिज़ाइन किया है। और फ्रेंड्स, आपको सेकेंड जो रूफ है फ्रेंड्स, सेकेंड फ्लोर का, वहाँ पे भी आपको काफ़ी बढ़िया स्पेस देखने को मिलेगा। ये आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर का रूफ है फ्रेंड्स, और आपका ये सेकेंड फ्लोर का रूफ है। और हमने हेडर रूम के ऊपर वाटर टैंक का यूज किया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो में बने रहेंगे, इसका हम आपको प्रॉपर घर के इंटीरियर के भी बारे में बताएंगे फ्रेंड्स। तो आप यहां पे देख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा फ्रंट में स्टेयर। स्टेयर के जरिए आप लोग घर के अंदर आते हैं फ्रेंड्स, तो आप पहुंच जाएंगे यहां पे सिटिंग एरिया में। और यहां पे भी आप लोग देखेंगे, यहां पे भी आपको जगह की कमी नहीं होगा। और फ्रेंड्स, हमने फ्रंट में ही 2 बेडरूम का डिज़ाइन किया है, जिसका गेट हमने सिटिंग एरिया के तरफ दिया है। इसको आप लोग गेस्ट रूम के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स फर्स्ट नंबर का बेडरूम। तो इसमें जो हमने डिज़ाइन किया है, टोटल इसमें 6 बेडरूम का डिज़ाइन किया है, 1 किचन, 1 कॉमन टॉयलेट प्लस बाथरूम। और इसमें हमने ग्राउंड फ्लोर में 1 हॉल और फ्रेंड्स फर्स्ट फ्लोर में भी 1 हॉल का डिज़ाइन किया है और स्टेयर का डिज़ाइन किया है। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये इस घर का हो जाएगा सेकेंड नंबर का बेडरूम, जो कि इसमें भी आपको काफ़ी बढ़िया वेंटिलेशन के साथ स्पेस मिल रहा है फ्रेंड्स। अगर आप लोग इस टाइप का घर बनाते हैं, तो इसमें जो आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगा फ्रेंड्स, वो लगभग 25 से 30 लाख तक आएंगे ओनली स्ट्रक्चर प्लान में। इसमें फ्रेंड्स, आप लोग का कोई भी एनी फिनिशिंग नहीं होगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं, हमने सिटिंग स्पेस में 2 विंडो का यूज किया है। एक हमने मेन गेट दिया है, ताकि आपका जो हॉल एरिया है फ्रेंड्स, वहाँ पर भी प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर का ये हॉल एरिया है। यहाँ पे हमने डाइनिंग टेबल का यूज किया है। और आप यहाँ पे भी देखेंगे फ्रेंड्स, आपको राइट साइड में मिलेगा 1 कॉमन टॉयलेट प्लस बाथरूम, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स कॉमन टॉयलेट प्लस बाथरूम। इसमें भी हमने वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर विंडो का यूज किया है। और फ्रेंड्स, हम लोग चलेंगे थर्ड नंबर का बेडरूम में। तो इसमें भी आप लोग देखेंगे, थर्ड बेडरूम में भी आपको काफ़ी बढ़िया स्पेस यहाँ पे भी देखने को मिलेगा वेंटिलेशन के लिए। यहाँ पर भी फ्रेंड्स, हमने 1 विंडो का यूज किया है। और इसमें जो हमने बेडरूम का साइज बनाया फ्रेंड्स, 11x12 का हमने टोटल बेडरूम रखा है। और ये आप देख सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर में 1 हो जाएगा यहाँ पे किचन। तो किचन में भी आपको काफ़ी स्पेस देखने को मिल रहा है। और फ्रेंड्स, हम लोग चलेंगे 4th नंबर का बेडरूम में, जो ग्राउंड फ्लोर का है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 4th नंबर का बेडरूम। और फ्रेंड्स, हम लोग स्टेयर के जरिए चलेंगे फर्स्ट फ्लोर में। तो आप यहाँ पे भी देखेंगे, स्टेयर में जो हमने यूज किया है, स्टेनलेस स्टील पाइप का यूज किया है। स्टेयर का विड्थ हमने 3 फीट रखा है। और फ्रेंड्स, फर्स्ट फ्लोर का भी जो डिज़ाइन हमने किया है, तो काफ़ी बढ़िया हमने डिज़ाइन किया है। वहाँ पर हमने 2 बेडरूम के साथ 1 छोटा सा हॉल का डिज़ाइन किया है। तो हम आपको इसका भी टूर बता रहे हैं फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर में भी छोटा सा एक पोर्च का हमने डिज़ाइन किया है।
ये मेन गेट हो जाएगा। मेन गेट से जैसे ही अंदर आते हैं आप पहुंच जाएंगे यहाँ पे हॉल में। ये फर्स्ट फ्लोर का है, आपको लेफ्ट और राइट साइड में एक एक विंडो, एक एक बेडरूम देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर का हो जाएगा फर्स्ट बेडरूम, और ये आपका हो जाएगा सेकेंड बेडरूम। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स आपको काफ़ी स्पेस देखने को मिल रहा है। और हम लोग चलेंगे फ्रेंड्स सेकेंड फ्लोर में। तो ये सेकेंड फ्लोर के लिए हो जाएगा फ्रेंड्स स्टेयर, स्टेयर के जरिए हम लोग चल रहे हैं फ्रेंड्स सेकेंड फ्लोर के लिए। फ्रेंड्स काफ़ी बढ़िया घर है, आपको यह घर कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं फ्रेंड्स। और ये आप देख सकते हैं ये सेकेंड फ्लोर का हो जाएगा फ्रेंड्स रूफ़ एरिया, यहाँ पे भी आपको स्पेस काफ़ी देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो आज का यही प्लान था फ्रेंड्स 35x45 का, इसका जो हमने चौड़ाई रखा है फ्रेंड्स 35 और लंबाई 45 है, जिसमें कि हमने 6 BHK का प्लान बनाया। आपको यह प्लान कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं।